नमस्कार, जेवन राजस्थान न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र सेन। कस्बे के धोबी मोड़ पर अधूरा पड़ा सीसी सड़क निर्माण कार्य हुआ शुरू, आमजन को जाम व दुर्घटना से मिलेगी मुक्ति। कस्बे के धोबी मोड़ पर पिछले 3 माह से अधूरा पड़ा सीसी सड़क निर्माण कार्य रविवार की देर साय ठेकेदार द्वारा शुरू कर दिया गया, जिससे आमजन व धोबी मोड़ पर रहने वाले बाशिंदों को आए दिन होने वाले जाम व दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर धोबी मोड़ पर रहने वाले चंद्रबान चंद्र ने खुशी जाहिर करते हुए स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है। वहीं ओम प्रकाश लवानिया की बेटी छाया एडवोकेट ने अपने घर के सामने छोड़े गए टुकड़े, जो कि 30 से 40 फुट के लगभग है, रोष जाहिर किया है। छाया का कहना है कि ठेकेदार ब्रज 84 कोस के अंतर्गत बनने वाली सड़क को निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं बना रहा है, जिसके चलते मेरे घर के सामने पानी भरने के साथ 15 लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। ठेकेदार के सुपरवाइजर राम कुमार शर्मा का कहना है कि हमें विभाग द्वारा 12 फुट की चौड़ाई में सीसी सड़क निर्माण कार्य करने के आदेश हैं, जबकि छाया के घर के सामने कुल 9 फुट चौड़ाई है, जिसमें इनकी मंशा है कि इसी चौड़ाई में सड़क निर्माण के साथ फुटपाथ व नाली निर्माण भी कराया जाए, इसलिए उनके घर के सामने वाले टुकड़े को छोड़ा गया है। उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर जो भी आदेश होगा उसी के तहत कार्य किया जाएगा। गौरतलब है कि इस अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य के चलते आम लोगों के साथ धोबी मोड़ पर रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ जिला कलेक्टर नतमत दिडेल को भी अधूरे पड़े सड़क निर्माण को पूरा करने की गुहार लगाई थी। डीक से मुकेश जांगीड़ की रिपोर्ट। मैं चंद्रभान वर्मा चंद्र कवि साहित्यकार डीक धोबी मोड़ से बोल रहा हूँ। कल सड़क का काम चालू हुआ था, रात रात में सड़क बनकर तैयार हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टुकड़ा रह गया है जो कि दुर्घटना होने की संभावना है। वो भी बन जाए तो अच्छी बात होगी। अच्छी पहल है प्रशासन की के देर आए दुरुस्त आए और ये सड़क बनी और ये दुर्घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन आगे चल के डालचंद के घर के सामने, इधर टी का नवल धोबी के घर के सामने टुकड़ा और रह गया है, वो बन जाए तो और अच्छा होगा, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है, वहाँ पानी भरा हुआ है। आगे बहुत अच्छी बात है, सरकार ने सड़क बनवाई है, सब खुश हैं, संतुष्ट हैं। वो क्यों नहीं बना टुकड़ा, वो कैसे रह गया? हाँ, उनका कोई सुना है कि कोई स्टे वगैरह है ऐसा सुनते आए हैं। इनका कोई लवानिया जी है ऐसा, जो हमने कोई देखा तो है नहीं उसमें कागज, हमने देखने तो सुना है जो कि भाई कोई स्टे वगैरह है। अच्छा, हाँ, इसलिए टुकड़ा रह गया है। हाँ, ये वो भी बन जाए तो अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छाया। छाया, हाँ, और ये मैं एडवोकेट भी हूँ, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ अन्याय किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हमने पूछा है कैसे बनेगी, उसके हिसाब से तो बना नहीं रहे। मनमर्जी तरीके से सड़क को बनाया जा रहा है, मेरे मकान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। पानी भरा हुआ है, 15 लोगों की जान को खतरा है, आने जाने वाले वाहनों से खतरा है। गाइडलाइन मांगे। एक मिनट, ठेकेदार का कहना तो ये था आप बनने नहीं दे रहे सड़क को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास कोई ऑर्डर नहीं है मकान तोड़ने का। मकान तोड़ने का कोई ऑर्डर नहीं है? तो ठेकेदार को जगह मिलेगी तभी तो बनाएगा। हमने ऑर्डर मांगा तो वो आपने लेके आए प्रशासन को, पूछे कि यहाँ क्या बात।